हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास ट्वेल्व एक्सरसाइज टेन पॉइंट फोर का क्वेश्चन नंबर नाइन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेंगल विद वर्टिस दिस देखिए स्टूडेंट्स अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम कौन सा मेथड लगाएं क्रॉस लगाएं डॉट लगाएं इसमें आप कोई भी मेथड लगा सकते हो आप इसको डॉट प्रोडक्ट से भी सॉल्व कर सकते हो आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगा के कर सकते हो ठीक है ये ऐसा क्वेश्चन हमने एक पिछला डॉट प्रोडक्ट के केस में किया भी था ठीक है बट हम ये सारा जो अब जो एक्सरसाइज चल रही है वो क्रॉस प्रोडक्ट के क्रॉस है तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट यूज करना है तो हम कैसे करेंगे देखिए गिवन क्या है गिवन थ्री साइड्स थ्री वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी वेयर ए इज वन वन टू बी इज टू थ्री फाइव एंड सी इज वन फाइव फाइव समझ आया स्टूडेंट्स ठीक है तो अब क्या कह रहा है वो तीन वर्टिसेस दे सके एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल तो इसके होता है हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी ठीक है ये होता है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है ए बी फाइंड आउट करना है क्या फाइंड आउट करना है ए बी ए बी क्या हो जाएगा ये ए है ये बी है टू माइनस वन आई कैप प्लस थ्री माइनस वन जे कैप प्लस फाइव माइनस टू ठीक है ठीक है स्टूडेंट्स ये किसके कुल आ गया टू माइनस वन आई कैप प्लस थ्री माइनस टू टू जे कैप फाइव माइनस टू थ्री के कैप अब हम ए सी फाइंड आउट कर लेते हैं ए सी क्या हो जाएगा ए ओ सी ये वन माइनस वन आई कैप प्लस फाइव माइनस वन जे कैप प्लस फाइव माइनस टू ठीक है ये किसकेक आ गया जीरो आई कैप 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 प्लस प्लस फोर जे कैप प्लस थ्री के ठीक है।, है अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं ए बी क्रॉस ए सी वो किस केक आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप वन टू थ्री वन टू थ्री जीरो फोर थ्री जीरो फोर समझ आया स्टूडेंट दैट इज इक्वल टू आई कैप इन टू टू फोर थ्री थ्री माइनस जे कैप वन थ्री जीरो थ्री प्लस के कैप के कैप वन टू जीरो ठीक है देखिए अभी किसके कुल आ गया थ्री टू जिक्स माइनस ट्वेल्व माइनस जे कैप थ्री माइनस जीरो प्लस की कैप फोर माइनस जीरो दैट इज माइनस सिक्स आई कैप थ्री माइनस जीरो माइनस थ्री जी कैप फोर माइनस जीरो फोर फोर की कैप ये क्या आ गया हमारा ए बी क्रॉस ए सी हमें क्या फाइंड आउट करना है ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड जो कि किसके इक्वल होगा माइनस सिक्स का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का स्केयर प्लस फोर का स्केयर दैट इज थर्टी सिक्स प्लस नाइन प्लस सिक्सटी कितना आ गया नौ 6 पंद्रह 6 इक्कीस एक दो रूट सिक्सटी देयर फोर ए बी क्रॉस ए सी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ गया रूट सिक्सटी ठीक है नाउ एरिया ऑफ ट्रैंगल क्या होता है एरिया ऑफ ट्रैंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी तो वो किसके इक्वल हो गया हाफ इंटू रूट सिक्सटी वन दैट इज रूट सिक्सटी वन बाई टू स्क्र यूनिट ठीक है यही हमारा क्या है आंसर है ठीक है स्टूडेंट समझ आया सभी को बहुत इजी क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन